हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कमेंट्स में अभी एक बेवकूफ इंसान ने कमेंट किया है कि गुण मिलान के लिए ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और एक फ्री में सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप अपना गुण मिलान करा सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। अगर सबका दिमाग एक जैसा ही होता तो इंसान कष्ट ही क्यों पाता, सभी सुखी रहते। अपने सड़े दिमाग की वजह से ही तो लोग कष्ट पाते हैं। खैर, कोई बात नहीं है, आप चाहें तो सॉफ्टवेयर से मिलान कराएं, चाहे पंडित से कराएं, चाहे मुझसे कराएं, चाहे किसी भी ज्योतिषी से कराएं। मेरा काम है आपको सही दिशा देना और उस दिशा देने के प्रयास में ही मैं ये बात आपको बता रही हूं कि ऐसे लोग समाज में भ्रम फैलाते हैं जिनको ज्योतिष की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, ना जानकारी होती है, और वो अपना ही दिमाग लगाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और जब जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं तब किसी ज्योतिषी के पास भागते हैं। सॉफ्टवेयर से गुण मिलान करना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि यदि उसमें आप किसी माँ बेटे की कुंडली डालेंगे, भाई बहन की कुंडली डालेंगे, तो गुण मिलान होके आ जाएंगे। वहां सॉफ्टवेयर को इतनी अकल नहीं होती है, वहां जो डाटा आप डालते हैं वो उसमें निकल के आ जाता है कि इनके इतने गुण मिल रहे हैं। ये तो एक पंडित और ज्योतिषी ही निकाल सकता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। और गुण मिलान एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि 36 में से सिर्फ आपके 20 मिल गए, 21 मिल गए या 18 मिल गए तो आपने शादी कर ली। इसके अलावा बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया जाता है। सॉफ्टवेयर में जो मांगलिक दोष निकल कर आता है वो सूर्य, शनि, राहु, केतु से निकल कर नहीं आता है। सिर्फ मंगल से, यदि व्यक्ति 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो वो सिर्फ इतना शो कर देगा आपको कि व्यक्ति मांगलिक है। लेकिन इसके अलावा मंगल दोष कहीं खत्म हो रहा है, मंगल दोष का प्रभाव नहीं है, ये सब उसमें निकल के नहीं आएगा। तो इस तरह से ये चीज तो साबित हो गई कि सॉफ्टवेयर से जो गुण मिलान किया जाता है वो बिल्कुल ही गलत होता है। और उसमें भले ही आपके पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन जिंदगी की बहुत सारी जो खुशियां आप बचा सकते थे वो सारी खुशियां छिन सकती है इस गलत प्रयोग से। तो ये आप विचार कीजिएगा कि आपको सॉफ्टवेयर से गुण मिलान कराना है या किसी योग्य ज्योतिषी से मिलान कराना है। मैंने तो इसकी बहुत ही अल्प राशि रखी है, सिर्फ 600 रुपये गुण मिलान की राशि रखी है, जो बहुत ही कम है और ये भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके बाद ये राशि 2000 से कम नहीं होगी और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि गुण मिलान का कितना महत्व है। गुण मिलान के द्वारा सिर्फ यही काउंट नहीं किया जाता कि 36 में से आपके कितने गुण मिल रहे हैं, इसके अलावा कुंडली में एक दूसरे के ग्रह किसी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी सफलता देंगे, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। और इसके अलावा गुण मिलान के द्वारा ये भी देखा जाता है कि लड़का या लड़की किसी पर्टिकुलर ससुराल पे भारी तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, लड़का या लड़की की डेथ हो जाती है, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, शुभ और मांगलिक कार्य विवाह का पूरा भी नहीं होता, इसी दौरान किसी की डेथ हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं तभी होती हैं जब गुण मिलान प्रॉपरली नहीं किया गया है। कई बार डेट ऑफ बर्थ भी गलत दे देते हैं लोग, सिर्फ नाम से ही गुण मिलान कर लेते हैं। तो गुण मिलान एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है विवाह से पूर्व, और ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते, हम उनको तो कभी आमंत्रित करते ही नहीं है कि वो ज्योतिष के चैनल देखें, वो कहीं और जाएं। लेकिन जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं और पूरा ज्योतिष के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए आज का वीडियो है। और यदि आप चाहें तो इसको फॉलो कीजिए और इसकी मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर में जाकर यदि आप गुण मिलान करते हैं तो आपकी आधी अधूरी गुण मिलान होगा और उसके बाद जब जीवन में घोर संघर्ष, घोर परेशानी आए तब आप जाकर ज्योतिषी पे पैसा खर्च करेंगे। इससे अच्छा है कि पहले ही आप गुण मिलान कराएं और बाकायदा तरीके से मुहूर्त वगैरह निकालकर विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्य करें। आप कार्ड में इतने पैसे खर्च करते हैं, लोगों को खिलाने पिलाने में इतने पैसे खर्च करते हैं, और लड़का और लड़की का जो जीवन है वो सुखमय रह सके उसके लिए इतनी अल्प राशि भी आपसे खर्च नहीं होती, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। खैर, ये आप पर है, हम किसी पर थोपते नहीं है। आपको अगर उचित लगता है तो आप गुण मिलान कराइए। हमारा काम था सही मार्गदर्शन देना और वो आपको यदि जीवन में जिसकी खुशियां लिखी होंगी वो निश्चित रूप से सही तरीके से गुण मिलान कराएगा, और जिसके जीवन में खुशियां नहीं लिखी होंगी, कई तरह की प्रॉब्लम लिखी होंगी, वो फिर गलत मार्ग पर ही जाएगा। तो ये आप पर है, हम ज्योतिष के द्वारा अंधविश्वास का खंडन करते हैं, अंधविश्वास को नहीं फैलाते, लेकिन जो प्राचीन सिद्धांत और ज्योतिषीय ग्रंथों में जिस बात को कहा गया है हम उनका पूर्ण जोर रूप से समर्थन करते हैं। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।